आज हम लोग एक वेबसाइट की शुरुआत करने जा रहे हैं, आपका राम राज्य। अरविंद केजरीवाल जी ने राम राज्य के सपने को सच करने के लिए दिल्ली में अद्भुत काम करके दिखाया है। शुरुआत से ही अपनी अलग सोच और अलग दृष्टि के लिए जानी जाने वाली आम आदमी पार्टी ने बुधवार 17 अप्रैल यानी राम नवमी के अवसर पर और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले आपका राम राज्य शीर्षक से एक वेबसाइट लॉन्च की, जिसमें राम राज्य का सही अर्थ दर्शाया गया है। अब राम राज्य का अभिप्राय उस राज्य से है जहां किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी को कोई शारीरिक कष्ट ना हो, हर तरफ खुशहाली और आपस में प्रेम बना हो, तो वही है असली राम राज्य। आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और जैस्मीन शाह ने वेबसाइट लॉन्च करते समय बताया कि इस वेबसाइट के जरिए जनता आम आदमी पार्टी के राम राज्य की परिकल्पना और उसे पूरा करने के लिए किए जा रहे कामों के बारे में जान सकती है। इस रामनवमी के अवसर पर आज हम लोग एक वेबसाइट की शुरुआत करने जा रहे हैं, आपका राम राज्य। आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की राम राज्य को लेके क्या अवधारणा है, वो राम राज्य जिसकी बात प्रभु श्री राम ने कही, जिसको सच करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दिखाया, वो राम राज्य जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बार बार जिसका जिक्र किया कि हम देश में राम राज्य लाना चाहते हैं, जिसमें गैर बराबरी ना हो, जिसमें सबकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, जिसमें कोई छोटा कोई बड़ा हो ऐसी भावना खत्म हो। और अरविंद केजरीवाल जी ने राम राज्य के सपने को सच करने के लिए दिल्ली में अद्भुत काम करके दिखाया है। तो राम राज्य को लेकर हमारी जो कल्पना है उसको हम जमीन पर पूरा करके दिखाएंगे, उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। और जो भी लोग हमारी राम राज्य की कल्पना को देखना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं। क्या काम हमने दिल्ली में किया है, क्या काम हमने पंजाब में किया है, वो काम लोग देखें, जानें और तब हमारे साथ जुड़ें। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार कह चुके हैं कि दिल्ली में भी राम राज्य स्थापित करना उनका सपना रहा है और राम राज्य का सपना सच करने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली वासियों के लिए भरसक प्रयास भी कर रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की इस नई पहल का पहला चरण 19 अप्रैल को शुरू होने वाला है। नई वेबसाइट का मकसद बताते हुए आप नेताओं ने कहा कि सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा राम राज्य से प्रेरित होकर किए जा रहे कामों को अब भारत समेत पूरी दुनिया के लोग देख सकेंगे। पूरी दुनिया को अपने कामों से अवगत कराने के लिए आपने www.aapkaramraj.com नामक वेबसाइट को लॉन्च किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल के राम राज्य को लेकर 10 सिद्धांत है। इस बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी बताया कि सीएम केजरीवाल हमेशा से रामचरितमानस से प्रेरित रहे हैं। ये रामचरितमानस में लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और मुझे लगता है कि इसी से प्रेरणा लेकर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खाना है कि जो वादे उन्होंने दिल्ली के लोगों को किए हैं, जो वादे उन्होंने पंजाब के लोगों को किए, उस वचन को पूरा करने के लिए वो पिछले 9 साल से लगे हुए हैं। जो हमारी वेबसाइट है आपका राम राज्य, उसमें जो राम राज्य की अवधारणा जिस प्रकार से हम दिल्ली में उससे यथार्थ कर रहे हैं, जिस प्रकार से पंजाब में हम उसे यथार्थ कर रहे हैं, जो शिक्षा में काम, स्वास्थ्य व्यवस्था में काम, बिजली पानी में काम, शहीदों के सम्मान में काम जो हमने किया है,
वो आपका राम राज्य वेबसाइट के माध्यम से हम पूरे देश के लोगों को पहुंचा रहे हैं। इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे देश में लोग देख पाए कि अगर वो सही जगह वोट देते हैं, एक ईमानदार पार्टी को वोट देते हैं, एक अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को वोट देते हैं, तो उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा सुधार आता है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की वेबसाइट आपका RamRajya.com पर आप भी आसानी से जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राम राज्य के 10 सिद्धांतों के अलावा आपके बाकी राज्यों जैसे कि दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में किए गए कामों को भी दिखाया गया है। पार्टी का उद्देश्य विशेष रूप से दिल्ली और पंजाब में राम राज्य के सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हुए पार्टी द्वारा की गई पहलों को उजागर करना है। बहरहाल आप आम आदमी पार्टी की इस पहल को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें हिंदी खबर।